आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंस के बारे में, जिसको कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी बोला जाता है। सामान्य भाषा में आपको समझाऊं तो लोग कहते हैं, सर हमारा औजार जो है बराबर खड़ा नहीं हो पाता है। मतलब जब पेनिस है आपका बराबर खड़ा नहीं होता है सेक्स करने के टाइम पे, तो उसको बोलते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन। तो बात करेंगे इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्या है, इसके प्रमुख कारण क्या क्या हैं, साइकोजेनिक इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्या है, इसके क्या कारण हैं, अगर आपको कोई गंभीर बीमारी नहीं है तो उसका क्या ट्रीटमेंट हो सकता है, और हस्बैंड और वाइफ का क्या रोल होता है इसके ट्रीटमेंट में, तो पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वेंकटेश एच पुजार और मैं हूँ डॉक्टर वेंकटेश एच पुजार। आइए आज की चर्चा को शुरू करते हैं। तो देखिए, इरेक्टाइल डिसफंक्शन को मैं बहुत ही सामान्य भाषा में आपको समझाने वाला हूँ। देखिए, कोई पुरुष है, अगर जब वो हस्त मैथुन कर रहा है तो उस टाइम पे अगर उसके पेनिस में इरेक्शन आ रही है तो उसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या नहीं है, क्योंकि उसका पेनिस बराबर तरीके से काम कर रहा है। लेकिन जब भी उसकी वाइफ सामने आती है, जब वो सेक्स कर रहे होते हैं, इंटरकोर्स कर रहे होते हैं, तब अगर आपके पेनिस में इरेक्शन नहीं आता है तो ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, लेकिन ये साइकोजेनिक इरेक्टाइल डिसफंक्शन है। साइकोजेनिक इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्या होता है? स्ट्रेस के कारण, टेंशन के कारण, घबरा के जब आप डर जाते हैं और आपका पेनिस नहीं खड़ा होता है, उसको बोलते हैं साइकोजेनिक इरेक्टाइल डिसफंक्शन। देखिए, कोई भी पुरुष है, मर्द है, अगर उसका पेनिस सही है, उसके टेस्टिस बराबर है, तो उसको इम्पोर्टेंस होने की जो समस्या रहती है वो न के बराबर है। तो आइए अब हम बात करते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो होता है उसके प्रमुख कारण क्या क्या होते हैं। तो देखिए, यदि आप में कोई भी एंडोक्राइन हार्मोन का अबनॉर्मेलिटी है, यदि आपको हाइपोगोनेडिज्म की समस्या है या फिर लो टेस्टोस्टेरोन लेवल है, तो ये सब जो है कारण होते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन के इंटरनली। यदि आपका FSH और LH जो है लेवल वो बहुत कम है, तो ये सब कारण होते हैं पुरुषों में इरेक्टाइल डिसफंक्शन होने के। यदि आपने सब टेस्ट करवा लिए हैं, सब कुछ नॉर्मल है, फिर भी आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, तो ये है साइकोजेनिक इरेक्टाइल डिसफंक्शन। देखिए, कुछ अन्य ऐसी कंडीशंस रहती हैं जिसमें भी पुरुषों को इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है, वो कंडीशन है, देखिए, यदि आप कोई मेडिसिन खा रहे हैं जिस वजह से जो आपकी सेक्स करने की जो आस होती है वो कम हो जाती है, जैसे कि बीटा ब्लॉकर्स हो गया, प्रोपेनोलोल खा रहे हैं, ओमिटिडीन खा रहे हैं, यदि आप डायूरेटिक्स की गोली खा रहे हैं, यदि आप स्पायरोलैक्टोन की गोली खा रहे हैं, यदि आप जो सिंथेटिक ईस्ट्रोजन डेरिवेटिव्स की टैबलेट बनती है वो खा रहे हैं, या फिर आप लोग बहुत ज़्यादा मदिरा पीते हैं, दारू का सेवन करते हैं, या फिर आप ड्रग्स, गांजा ये सब ले रहे हैं, तो उस वजह से भी मर्दों में इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या होती है। यदि ये सब भी नहीं है, सब टेस्ट भी नॉर्मल है, तो आपको है साइकोजेनिक इरेक्टाइल डिसफंक्शन। तो आइए जानते हैं साइकोजेनिक इरेक्टाइल डिसफंक्शन के कारण। तो देखिए, इसका पहला कारण है एंग्जाइटी, मतलब घबरा जाना। कुछ पुरुष पहले ही सोच लेते हैं, यार मुझसे तो ये नहीं हो पाएगा, घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, टेंशन में पड़ जाते हैं। दूसरा कंडीशन होता है जब वो घबरा जाते हैं, पहले से ही अगर अपनी वाइफ को सेटिस्फाई नहीं कर पाया तो क्या होगा, वाइफ से मुझे रिजेक्शन झेलना पड़ेगा, तो ये सब वो सोचते रहते हैं, उस वजह से उनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है। और कुछ पुरुषों को क्या होता है, बचपन से ही घर में कुछ धार्मिक माहौल रहता है, घर में बात होती रहती है सेक्स करना पाप होता है, बचपन से ही उनके दिमाग में ये बिठा दिया जाता है सेक्स वर्ड खराब है, सेक्स बुरी चीज है, तो ऐसी कंडीशन में जब वो एक्सपोज होते हैं, सेक्स करने का उनका इंटरेस्ट नहीं जागता है, और ऐसी वजह से उनको इरेक्शन नहीं हो पाता है। तो देखिए, यदि आपको कोई भी अंदर हार्मोनल प्रॉब्लम नहीं है, आपको साइकोजेनिक ही अगर इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या है, तो आप जो नेचुरल आयुर्वेदिक मेडिसिंस होती हैं, जैसे कि शिलाजीत की गोली हो गई, टेंटेक्स फोर टैबलेट हो गया, विगोरेक्स टैबलेट हो गया, या फिर हिमकोलिन जेल हो गया, ये सब अगर आप यूज़ करते हैं डॉक्टर की गाइडेंस में, तो आपको थोड़ा राहत मिल सकती है। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, जो प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान
पाकिस्तान के एक्स उनके अंदाज में कि आप लोगों को घबराना नहीं है, सब ठीक हो जाता है। तो आइए अब हम बात करते हैं कुछ सेक्सुअल एक्सरसाइज के बारे में। तो देखिए, जब भी पुरुषों को ये समस्या होती है तो उनके वाइफ का सपोर्ट उनको देना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि कुछ महिलाएं हो जाती हैं कि बोलती हैं ये तो पुरुष जो है ये ना मर्द है, तो बोल के झगड़ा वगड़ा चालू कर देते हैं ऐसे में, और दबाव बनता है पुरुषों में और यह समस्या और गंभीर होती जाती है। तो ऐसे में जो उनकी वाइफ्स रहती हैं उनका बहुत बड़ा इसमें रोल प्ले होता है कि उनका इरेक्टाइल डिसफंक्शन ठीक हो जाए। तो आइए अब हम बात करेंगे कुछ सेक्सुअल एक्सरसाइजेस के बारे में जिसके आपका साइकोजेनिक इरेक्टाइल डिसफंक्शन ठीक हो जाएगा। तो देखिए, यदि पुरुष और महिला की शादी हो गई है उसके बाद ये इरेक्टाइल वगैरह की समस्या आ रही है तो वाइफ को सपोर्ट करना बहुत कंपलसरी है, मस्ट है। तो उसकी पहली एक्सरसाइज क्या होती है देखिए, वो होती है नॉन जेनाइटल प्लेजरिंग, मतलब आप लोगों को सेक्स नहीं करना है आगे के 4 हफ्ते तक। तो पहले आप लोगों को एक दूसरे से अच्छे से समझना है, आप एक दूसरे का अगर कॉन्फिडेंस जीत लेंगे उसके बाद सब आगे खुद ठीक होता जाएगा। इसमें अगली एक्सरसाइज होती है जेनाइटल प्लेजरिंग, मतलब आप लोगों को सेक्स नहीं करना है फिर भी जेनाइटल प्लेजरिंग लेना है। कैसे कि यदि पुरुष का इरेक्टाइल हो गया तो आप हाथ से मालिश कर सकते हैं या फिर माउथ के थ्रू उसको मजा ले सकते हैं, लेकिन आपको इस मोमेंट में भी इंटरकोर्स वगैरह नहीं करना है ताकि जो पुरुष का इरेक्शन है वो लूज ना हो। तो सेकेंड एक्सरसाइज को भी 4 हफ्ते तक आपको कंटिन्यू रखना है। प्लेजर वगैरह जेनाइटल का आप ले सकते हैं, हैंड से माउथ से आप कर सकते हैं 4 हफ्ते तक, लेकिन इंटरकोर्स वगैरह नहीं करना है। तीसरा एक्सरसाइज होता है जिसको बोलते हैं एक्स्ट्रा वजाइनल ऑर्गेजम। इसमें क्या होता है, महिलाओं का जो वजाइना होता है उस रीजन को आप एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन बाहर बाहर से ही करना है आपको एंजॉय। अगर उसके बाद आपका इरेक्शन वगैरह आ रहा है तो आप वजाइना के अंदर अपना पेनिस रख सकते हैं, लेकिन आपको रखना है, लेकिन जैसे ही आपका इजैकुलेशन होने वाला हो, वीर्य गिरने वाला हो, आपके पेनिस को वजाइना से निकाल लेना है, बाहर की तरफ इजैकुलेट करना है। तो ये एक्सरसाइज जो है आपको 1 हफ्ते तक करनी है अपने इरेक्शंस को बनाए रखने के लिए। अब इसमें फोर्थ एक्सरसाइज क्या होती है देखिए, आपने अभी और 5 हफ्ते एक्सरसाइज कर ली है तो इसके बाद क्या होता है, आप दोनों एक दूसरे का कॉन्फिडेंस अच्छे से गेन कर लेते हैं। तो इससे ना ही आपको कोई झिझक महसूस होती है, ना ही आपके फीमेल पार्टनर को कोई झिझक होती है। तो आप इतने टाइम के बाद फिर इंटर वजाइनल कर सकते हैं, मतलब इंटर वजाइनल इजैकुलेशन कर सकते हैं, वजाइना के अंदर अपना पेनिस रख के अगर आपको अच्छे से इरेक्शन आ गया है, इंटर जनरल इजैकुलेशन आप अंदर ही वीर्य को अपने निकाल सकते हैं। तो ये हैं कुछ एक्सरसाइजेस। तो इसमें हस्बैंड वाइफ दोनों को बहुत समझना रहता है, दोनों अगर कोऑपरेट करते हैं तो ही ये जो है रिजल्ट आता है, अच्छा रिजल्ट आता है, नहीं तो नहीं आता है। अगर पुरुषों को साइकोजेनिक इरेक्टाइल डिसफंक्शन नहीं है, यदि उनमें कोई अंदर की ही कोई गंभीर समस्या है, तो ऐसे कंडीशन में देखिए आयुर्वेद में उत्तर बस्ती का एक ट्रीटमेंट आता है जो कि आयुर्वेद में MD पंचकर्मा डॉक्टर या फिर MD काय चिकित्सा के जो डॉक्टर हैं उनसे आप मिल सकते हैं, वो दवाई देंगे। और उत्तर बस्ती एक पंचकर्मा का ट्रीटमेंट होता है जिससे मैंने देखा है काफ़ी पेशेंट्स को अच्छा रिलीफ हुआ है। अगर आप मॉडर्न एलोपैथिक ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं तो इसमें आपको देखिए क्या करते हैं, इम्प्लांट्स डाले जाते हैं, मतलब पुरुषों के जो पेनिस होता है उसमें अंदर ही इम्प्लांट्स ऑपरेशन करके इम्प्लांट्स डालते हैं जिस वजह से वो पेनिस हार्ड हो जाता है। तो इसमें सेमी रिजिड इम्प्लांट आते हैं, इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट्स आते हैं, तो इसके लिए स्पेशल एक सर्जन्स रहते हैं, उनसे आपको मिलना पड़ता है। तो आशा करता हूँ जो वीडियो में मैंने आपको जानकारी दी है बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गई होंगी। यदि आप आगे भी इसी तरह मेडिकल वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वो जो लाल बटन आपको दिख रहा है उसको दबा दीजिए, उससे हमारी आने वाली सारी वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाएंगी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक का बटन दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि इस वीडियो को देखने के बाद भी आपके मन में कोई भी डाउट है तो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं उसका उत्तर देने का प्रयत्न करूँगा। तो मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में कुछ नए विषयों के साथ। टिल देन टेक केयर, धन्यवाद।